Dear students, our question is, if a equal to 1, 2, 3 and b equal to 4, 5, let f equal to 1, 4, comma 2, 5, justify f is a function or not, justify करना है, check करना है कि जो f हमारा defined है, ये function है कि नहीं फंक्शन है, तो आइए चेक करते हैं। गिवन दैट एफ इज इक्वल टू 1, 4, 2, 5, यू सी हियर, आप देख रहे हो कि फंक्शन एफ के जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 1, 4, दूसरा एलिमेंट है 2, 5, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। 1, 4 मीन्स क्या होता है कि एक का इमेज जो है 4 है, 1, 4 मीन्स इमेज ऑफ 1 इज 4, और वी कैन से दैट, और इसी को लिख सकते हैं and for input 1, output is 4. 2, 5 means 2, 5 means image of 2 is 5, or we can say that for input 2, output is 5, but you see here, set A में 3 element है 1, 2, 3, और B में 4, 5 हैं, तो set A के element 1 का image 4 है, और element 2 का image 5 है, but element 3 का कोई image नहीं है, तो element 3 का image नहीं है, या input 3 का no output, so we can say that कि f is not function, तो लिखेंगे since element 3 has no image or for input 3 there is no output, so f is not a function, यानी f function नहीं हुआ। आप इसको जो है एरो के डायग्राम से आप भी समझ सकते हैं, हमने जो है सेट ए दिया यहाँ पर, और दूसरा सेट हमारा है बी सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और सेट बी के एलिमेंट हैं 4, 4, 5 हैं, इमेज ऑफ वन इज फोर, इमेज ऑफ टू इज 5, बट एलिमेंट 3 है नो इमेज, और यू कैन से दैट कि एलिमेंट फॉर एलिमेंट 3 देयर इज नो आउटपुट, तो सो वी कैन से दैट कि दिस फंक्शन एफ इज नॉट ए फंक्शन, क्लियर।